अस्सलाम वालेकुम तल्लाही व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, अच्छी तरह से हैं, फिट है, फैंटास्टिक है। तो आज मैं आया हूँ दाचीगाम नेशनल पार्क में, इन माय लाइफ फर्स्ट टाइम। तो नज़ारे कुछ इस तरह से हैं। आज हाशर और मैं, हाशर मुझे ट्रैक पे ले जा रहा है, तो मेरी तो अभी से ही जल गई है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। गाम नेशनल पार्क में बहुत डर हो रहा है, क्योंकि सबने आगे बोला है कि आगे ये है, क्या नाम है इसका, लेपर्ड है। तो मुझे तो थोड़ा सा डर हो रहा है, मगर डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये मेरे भाई है, तो मैं पीछे चल रहे हैं, मेरे भाई है। जन्नत के नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं, और जब इंसान थका हारा होता है ना, तो ऐसे दिखता हूँ मैं। आज मैं बहुत थक गया, क्योंकि बहुत ट्रैक किया है। अराउंड 5-6 किलोमीटर हम आगे बढ़े हैं, तो उसके बाद पता नहीं आगे कितना चलने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं फिश को देखने, ठीक है। वहाँ पे पियर भी है एक, ठीक है। अभी यहाँ वो हमें खाएगा या हम उसको खाएंगे, ठीक है। दो बातें। अच्छा, हाशिर भाई, इन मछलियों के ऊपर कुछ रोशनी डालो भाई। कुछ तो भी रोशनी डालो। हमारा एक एक्टर डाल सकता है, उसको बहुत सारी नॉलेज है, क्योंकि उसने डिस्कवरी में काम किया है, मगर वो सामने नहीं आना चाहता है। आमिर साहब, कैमरा आपकी तरफ है, आप कुछ बोलिए। आमिर साहब, आमिर साहब, मिस्टर आमिर, डरने के बाद जीत है, ये सामने है। देखो भाई, मैं थोड़ा सा मेरे सामने, तुम्हारी बीवी कहाँ है? उधर से देखिए। Where's your wife? हाँ, वाइफ कहाँ है यार, तुम्हारी वाइफ कहाँ है, वाइफ तो बताओ। अच्छा, तो फाइनली हम घर की तरफ निकलने वाले हैं। हाशिर साहब का बहुत थैंक्स है, क्योंकि आज ये हाशिर साहब की तरफ से मेरे को ये ट्रिप मिला है। हाशिर साहब ने आज मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिप कराया है, और मेरी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इस वजह से नहीं थका हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ट्रैक किया है। इतना ज़्यादा ट्रैक मैंने आज तक नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, मैंने आज तक इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं किया है, मगर इट्स बीन रियली इंजॉयबल। और हाशिर साहब ने थोड़ा बिसा मुझे ये क्या कहते हैं, ये बताया जगहों के बारे में। तो इंशाल्लाह हम इसके बाद भी एक जगह पे जाने वाले हैं, उसका भी पता नहीं मुझे, वो इसने बोला सरप्राइज़ है, तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा आखिर है क्या वो।
बाकी एक बंदा जो जो देख रहे हैं वो पीछे आगे चल रहा है, तो वो तो अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है। इसको तो ऐसे हमेशा सस्पेंस में ही रहना रहता है। एनीवेज आई लव यू ऑल गाइस। सो इसके बाद देखा बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। हमने अराउंड 10-20 किलोमीटर्स हम चले हैं अभी तक, तो अभी तो समझ नहीं आ रहा है, अभी हम जंगल में ही खो गए हैं कि कहीं जा रहे हैं। पीछे से भी नज़ारे अब देख सकते हैं, पता नहीं भालू वालू निकलेगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या तो हाशिर की जिम्मेदारी है, क्योंकि हाशिर ने ही मुझे यहाँ पर लाया है। पता नहीं नेक्स्ट क्या है।